हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दिया और ये किस टाइप का वैलिडेशन है जरा देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी डेट एंटर करवाई गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारी डेट ऊपर वाली, जैसे 1/4/2023 है, 1/3/2023 है, 26/2/2023 है, 6/1/2023 है, 2/4/2023 है, लेकिन यहाँ 15/12/2022 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यानी कि एक से कम वाली डेट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1/1/2023 कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का वैलिडेशन देना है कुछ आपको तो कैसे दे सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक ये एक्सेप्ट करेगा? क्या 30/31/जनवरी यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सेप्ट कर जाएगा क्या? तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 31 जनवरी एक्सेप्ट कर रहा है, देख सकते हैं। और लेकिन 12/12/2022 क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 23 की वैलिडेशन दी गई है जिसके चलते ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वैलिडेशन क्या दिया गया ये भी देखिए आप, पहले तो इसको हटाना होगा तभी हम वैलिडेशन यहाँ दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर वैलिडेशन क्या लगाया है, 1/1/2023। ठीक है, ग्रेटर देन 1/1/2023 यानी कि 1/1/2023 भी आप नहीं दे सकते। यहाँ पे देखिए 1/1/2023 दे करके देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। 1/1/2023 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2023 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रेटर ही एक्सेप्ट करेगा, लेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का वैलिडेशन देना दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करिए, क्रिएट पे जाइए, टेबल बनाइए और ये टेबल इस तरीके से बन जाएगा। टेबल टू नाम से बना रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो डीएटी आपको लेस देना है लेस कर सकते हैं, ग्रेटर देना है ग्रेटर कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसा वैलिडेशन लगाना चाहे वैसा लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम डेटा टाइप रखिएगा और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया, लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन देने की बारी है। तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना वैलिडेशन रूल, यहाँ पर आकर के और इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। अब यहाँ पर वैलिडेशन देना है हमें, ठीक है। तो वैलिडेशन क्या करेंगे, इस बार क्या करते हैं, इस बार ग्रेटर लेस का वैलिडेशन लगाते हैं। लेस देन 1/1/2023 यानी 1/1/2023 से ये इस तरीके का हो गया और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2023 लग गया है। और अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे डेट एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये 1/1/2023 एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/1/2023 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इससे अधिक डालते हैं, जैसे 2/2/2023 करते हैं, तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे जब भी करेगा तो लेस ही करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आते हैं 2/4/2023 करते हैं, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, देख सकते हैं ना। लेकिन इससे लेस कर देंगे तो ये कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेस देन का वैलिडेशन मैंने दिया है, तो ये देखिए 1/2/2022 ये कर दिया, तो ये एक्सेप्ट कर गया, तुरंत एक्सेप्ट कर गया। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन दे सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर चेंज कर रहा हूँ, 9/22 कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी डेट एक ले लेते हैं तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, लेस वाला ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि लेस देन वैलिडेशन कैसे दे सकते हैं आप, ठीक है। एकदम आसान है, ठीक है। तो जहां भी यूज करना उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।